हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छा होंगे हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग होने वाले जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग आप भी कर पाओगे काफ़ी कम समय में, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, अभी क्या करना, सबसे पहले अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करना, ये जो मैं पहले से बैकग्राउंड को ले लिया हूँ तो इसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और PNG वगैरह जो भी यूज करूंगा तो वो भी दे दूंगा। तो दोस्तों वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ना, ये जो बैकग्राउंड को मैं पहले से लेके रखा हूं तो इसको सबसे पहले मैं ड्रॉ वाले में जाऊँगा, ठीक है। इसको ड्रॉ पर चला जाऊँगा, और जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, वो लायर वाले में जाएंगे, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ से एम्प्टी लेयर एक बना लेंगे अभी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक PNG को ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला PNG ऐड करेंगे जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो अब क्या करेंगे इसको, अभी दोस्तों जो 3 डॉट में जाएंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे और इसको ऐसा करके रखेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ से डन कर लेंगे। अब डन करने के बाद दोस्तों ये जो एम्प्टी लेयर का जो लिए थे उसमें जाएंगे, ठीक है। और अभी क्या लेंगे यहाँ पे, अभी अपने मॉडल को लेंगे, ठीक है, जो पहले से ही कटआउट करके रखा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अब इसको लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको ना कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे। इसको अभी लेयर में जाके भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे यार, कुछ इस तरह से जूम करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी क्या करेंगे यहाँ से डन कर लेंगे, और डन करने के बाद दोस्तों अभी इसका कैपेसिटी कम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे इरेजर वाले में जाएंगे, ठीक है। और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सेव का जो ऑप्शन रहता है वो वाला, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ना ये स्ट्रोक में रहेगा तो इसको फिल कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको ओके कर लेंगे। बाहर का जो साइज रहेगा उसको मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, आप फिर यहाँ से लेयर वेयर में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से जो ओपेसिटी को कम किए थे उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे होने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, सैंपल से यहाँ से अभी डन कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे मेन वाले में। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ से ना इफेक्ट वाले में जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट वाले में जाएंगे, और जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखो डिस्टॉर्ट करके जो लिखा है उसमें जाएंगे, और जाने के बाद दोस्तों ये वाला इसको ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला लेने के बाद फिर इरेजर वाले में जाएंगे, ठीक है। अब इरेजर में जाने के बाद इसको इन्वर्ट कर लेंगे। अब इन्वर्ट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, रिस्टोर में जाएंगे, और जाने के बाद दोस्तों इसको कुछ इस तरह से लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, डन कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार और डन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर एक बार इफेक्ट वाले में जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट वाले में जाएंगे एक बार फिर दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लर वाले में जाएंगे, ठीक है। अब ब्लर वाले में जाने के बाद इसका कुछ साइज रहेगा उसको ना पूरा ये 4-5 के आसपास में रखना, और फिर यहाँ से रेजर वाले में जाना, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ ये जो फेस पे जितना रहेगा उसको इरेज कर लेंगे, ठीक है।
कुछ इस तरह सा। अब यहाँ से दोस्तों सैंपल से डन कर लेंगे। अब डन करने के बाद दोस्तों क्या कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग हुआ है, जो देखने में काफ़ी ऑसम सा लग रहा है दोस्तों। तो बस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फोटो एडिटिंग अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।